मेरी सफाई तो ऑलमोस्ट हो गई, आपकी? हाँ हाँ, मेरे भी नाखून ऑलमोस्ट साफ हो गए हैं। मैं आपको घर साफ करने के लिए कह रहा हूँ, आप नाखून की बात कर रहे हो? इसको छोड़ो यार, अगर इसका बस चले ना तो हमें बेचकर नेल पॉलिश खरीद ले। अरे भैया ये क्या है? चाबी ऊपर मिली थी। ये तो मुझे किसी बड़े मेकअप किट की चाबी लगती है। नहीं, ये तो मुझे इस कबर की चाबी लगती है। हाँ, जब से हम इस घर में आए हैं इसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। इसमें तो सारा कचरा भरा पड़ा है। ये क्या? तो वो कैसे बुलाया जाए? हमारा किसी काम का नहीं है। नहीं भैया, ये हमारे काम की ना सही मगर दुश्मनों के काम की जरूर है। मतलब? आप जा रहे हो पापा? हाँ बेटा। Miss you, Papa. I know, honey. I will also miss you. लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वापस आऊं। नहीं नहीं पापा, हम आपको इतना भी नहीं मिस करेंगे। आप आराम से आइए। भगवान आपकी यात्रा लंबी और सफल बनाए। यार तुम लोग कितना बदल गए हो। जब मैं पहले जाया करता था तुम लोग कितना लड़ते थे, अब आपके जाने के बाद झगड़ेंगे। इसका कहने का ये मतलब है पापा, आपके जाने के बाद हम आपस में झगड़ेंगे कि हम इतनी जिद्दी क्यों हैं। पापा, हम हमारी सारी पुरानी गलतियों के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए पापा, प्लीज फॉरगिव अस। प्लीज यार, मुझे चक्कर सा आ रहा है। कल तक जो गर्दन काटने वाली तलवार थी वो आज मक्खन लगाने वाली हार्मलेस सी छुरी होकर रह गई है। बस आप यूं समझ लीजिए कि हमें अकल आ गई। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। मैं वाकई गद गद पद पद हो उठा हूँ। Bye guys. Bye. Papa is proud of you. Bye. फिर यहाँ। बस यहाँ वहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटा सा काम है, भूत को बुलाना है। भूत को बुलाना छोटा सा काम है? लेकिन इसका फायदा क्या? नादान बच्ची, पहला फायदा भारती की बच्ची डरेगी, दूसरा फायदा हम भूत को बुलाकर उन्हें डराएंगे और इस घर से भगा देंगे। हाँ, लेकिन आर यू श्योर कि इससे भूत आएगा? आप बुलाओगे तो जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेट मैग्नेट को खींचता है, इसी तरह दीदी भूतनी को खींचता है। भूत हम बुला रहे हैं ना, भूत उन्हें सताएगा, हमें थोड़ी ना। लेकिन भैया हम किसके भूत को बुलाएंगे? बुलाएंगे किसी को भी। फॉर एग्जाम्पल, लालगढ़ के राजा को। लालगढ़ के राजा? लालगढ़ कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, हम राजा को नहीं, उसके मेकअप मैन को बुलाएंगे। नहीं, हम राजा को ही बुलाएंगे। राजा के साथ हो सकता है राजा की तलवार का भूत भी आ जाए, उससे मेरा फायदा भी हो जाएगा ना। भैया आपका काम आइडिया देना नहीं है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। यस सर। जाओ जाकर कबाड़ से भूत का सामान ले आओ। यस बॉस। मुगैम्बो सा, मुगैम्बो सा, या! लेकिन मैं इस रस्सी से क्या करूंगा? जब मैं ई कर कर चिल्लाऊंगा तब तुम इस रस्सी से कुर्सी को खींच लेना। उससे क्या होगा? और उनका सामना तूफान के भूत से होगा। उड़ी। मेरे को डर लग रहा है, सचमुच में भूत आ गया तो? अरे भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये सब वहम है। नहीं होता है, मेरी फ्रेंड एक भूतिया होटल में गई थी, वहाँ उसने क्रीम कोन खरीदा और पता है जब उसने वो खाया ना तो उसमें से मसाला डोसा निकला। वाह, क्या मसालेदार भूत था। अब हम सबको कॉन्सेंट्रेट करके उस भूत का नाम हमारे मन में लेना है जिसे हमें बुलाना है। Are you ready? Steady, go! भूत राजा, बहार राजा, हम तुम्हें पुकार रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। हम तुम्हें रिश्वत देने के लिए तैयार हैं। एक मोटा और उसकी बहन डिनर के लिए खिलाएंगे। आ जा। वो आ रहा है। फेंक रहा है। आत्माएं कभी कभी मारती बालक, हमें प्रणाम करो।
साहब थैंक यू वेरी मच, ये जिंदा है। देखना अभी जरूर टिपिकल डायलॉग मारेगी। नहीं क्या मैं कैसी लग रही हूँ? कमाल है, बेहोश होने के बाद भी इसे मेकअप की पड़ी है। आओ लालगढ़ के महाराज तुम्हें पुकार रहे हैं, आ रहो। भगवान ने उनकी याद रखी है। महाराज वो आने ही रहे। चलना मैं पकड़ो, चलो चलो। हम पे कोई असर नहीं करने वाले। हाँ जो ट्रिक्स है ना वो रोड पर ही दिखाओ, और अपने दोनों भाई से कहो कि शर्ट फाड़ के चिल्ला है दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे। पागल दीदी बताओ ना आपने जादू कैसे किया? वो फूल तुमने कहाँ छुपाया था? पता नहीं, मैंने चाहा कि मेरे हाथों में एक फूल आ जाए और वो आ गया। गुड्डू कहीं सचमुच में भूत तो नहीं? क्या फेंक रही है दीदी? दीदी क्यों नहाने जा रहे हो सेवा? ए राजकुमारी की माँ बस भी कर। माँ अफसोस, माँ बनने से पहले ही मैं मिर्ची घाटी के लड़ाई में शहीद हो चुकी थी। मिर्ची घाटी? पहली बार नाम सुना। हल्दी घाटी के करीब है, जब हल्दी घाटी दूसरे लड़ाइयों के लिए रिजर्व रहती है तब मिर्ची घाटी में लड़ाई की जाती है। ए मेकअप बॉक्स, तू क्या समझती है? लंबे चौड़े डायलॉग बोलेगी तो मैं तुझे क्या भूतनी समझने लगूंगा? मैं सोचता हूँ आज अपने आप को ड्राई क्लीन करा लूं। वेरी गुड रश्मि, वेरी गुड। अब ये कैसे किया? पता नहीं। नो प्रॉब्लम, करते रहो करते रहो करते रहो। राम 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 राम। तुम लोग मुझे क्या पकड़ रहे हो? मैं तो खुद कहाँ पर आऊँ? अरे थोड़ा तो सहारा मिलेगा। राम 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 राम। मम्मी आप भूतों में विश्वास करती हैं? हाँ ऑफ कोर्स करती हूँ, तीन तो मेरे सामने ही बैठे हैं। क्या सीरियस बताओ ना भूत होते हैं? ओ मैडम आप तो ऐसे पूछ रही हैं कि अगर मैं हाँ बोल दूँ तो आप जाके कॉलोनी में मिठाई बांटेंगी? मम्मी तो कॉमेडी कॉमेडी खेल रही है। भूत भूत कुछ नहीं होता है, सब वहम है। तो क्या दरवाजा खुद खुद खुल जाता है? हाँ तो मैं फूल अपने आप आ जाता है। ये क्या है? तो क्या मैं भूत हूँ?
कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये फूल कहाँ गए? ये बच्चे भी ना एक दिन मार खाएंगे मेरे से। दीदी, ये फूल आपके पास कैसे आए? पता नहीं। पता नहीं? हाँ, मैंने सिर्फ हाथ बढ़ाया तो वो अपने आप आ गए। अपने आप आ गए? दीदी, आप ये मत समझना कि मैंने आपकी बात का भरोसा नहीं किया। कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, पापा को जाके बताता हूँ कि हमने दुश्मन फैमिली की बैंड बजा दी है। लेकिन ये फूल मेरे हाथों में आए कैसे? हेलो हेलो पापा, पापा सॉलिड न्यूज है। क्या तू जेल में गया? ऐसी हमारी किस्मत कहा पापा, न्यूज तो हमारे दुश्मन फैमिली से रिलेटेड है। कर दिया ना पंगा? पंगा कहो पापा तो एकदम सॉलिड पंगा। उनकी और वो जो डरपोक भारतीय है ना, उसे डराने के लिए हमने ब्लैंकेट खेला। अरे ब्लैंकेट खेलने की क्या जरूरत थी बेटा, वो तू अपनी अमरीश देवा वाली आरती कर देता ना। आगे से सुनिए पापा, वो मोटा तूफान है ना, उसने एक्टिंग शुरू कर दिया कि उसके अंदर एक भूत चढ़ गया है। फिर क्या, हमारी रश्मि किसी से कम है? तेरा ये गरीब बाप जानता है बेटा, रश्मि ने भी एक्टिंग शुरू कर दिया कि उसके अंदर भी एक भूत चढ़ गया है, वो भी कोई आम भूत नहीं पापा, एक रानी का भूत। अरे ये लड़की बजट में एक्टिंग क्यों नहीं करती भाई? बैंड बजा दिया उनका, बहुत मजा आया, उसने दो तीन मैजिक ट्रिक्स भी दिखा दिए। राहुल तुम ये सब बंद करो, और तुमने तो सिर्फ बैंड बजाया, मैं घर पहुंचकर तुम सबका ऑर्केस्ट्रा बजा दूंगा। हेलो 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 अरे हेलो हेलो क्या तुम सुन रही ना? हेलो हेलो पापा, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मैं फोन रख रहा हूँ। हेलो बदमाश, मैं जानता हूँ सब तुम्हारी ट्रिक्स। इसी एटीट्यूड ने मेरे पैरों में बेड़ियां बांधी हैं, वरना मैं आज एक कामयाब विलेन होता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भैया खाना लाओ। ऑन इट्स वे बॉस। एलिस देसी खाना खा रहे हैं। अरे देखा मेरी कुर्सी यहाँ से किसने ली? यहाँ पर तो कोई सिस्टम ही नहीं है। देखा वहां पर है, इधर आओ इधर आओ। गर्मा गर्म पराठे। सॉरी 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 बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। ये लो गरम 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 पराठे, ये लो ये लो। तूफान खाली भूख लग रही है ना, धीर प्लेट दो, धीर प्लेट दे दो। क्या हो क्या गया तुम लोगों को? अटैक अटैक किड्स। अरे ये सारे पराठे मेरे प्लेट पर कैसे आ गए? रश्मि अगर तुम्हें पराठे खाने ही थे तो मांग के लेना था ना, ये कोई तरीका है? ए आंटी, आप ही ने तो मुझे ये सारे पराठे दिए थे, मुझे नहीं चाहिए, लो। चलो ये ले लो। नहीं मम्मी। धीर खा लो। तूफान ये ले लो, क्या हो रहा है ये? मम्मी क्या हो क्या रहा है तुम लोगों को? रश्मि यू बेटर वॉच इट। हाँ धीर, भारती, तूफान चलो गई। कम ऑन गाइस, तुम लोग तो खाओ। हमें भी भूख नहीं है। राहुल गुड्डू, अरे ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। ये क्या भैया, एक भूत से तो पहले ही परेशान है, दूसरा भी बुलाओगे क्या? भूत कैसे भगाते हैं उसका प्लान ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ ये रहा ये रहा, भूत कैसे भगाते हैं, पहले मोमबत्ती लाओ। राक्षस का नाम लो। हाँ, ये पन्ना तो फटा हुआ है। राक्षस का नाम क्या हो सकता है?
चलो ट्राई करते हैं। गुंगा राक्षस, पहंगा राक्षस, तूफान राक्षस, गुड्डू राक्षस, राहुल राक्षस, मैं I hope everything is all right. कैसे हो? पापा बड़ी मुश्किल से हम जिंदा हैं। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई पापा। जिस घर में तीन तीन शैतान रहते हो, वहाँ भाई कीर्तन तो हो नहीं सकता। पापा, मुझे जल्दी दो तीन राक्षसों के नाम बताओ। Oh my God, not again. क्यों भाई? तू इतना खतरनाक विलन बनने वाला है कि तुझे राक्षस का नाम चाहिए? पापा, ले ले पापा, रश्मि के लिए। रश्मि के लिए? हाँ पापा, उसके अंदर एक भूतनी घुस गई है। अरे इम्पॉसिबल, एक भूतनी में दूसरी भूतनी को घुसते हुए तो सीरियसली कॉम्प्लेक्स होगा ना। कैंडल इधर से उधर हो रही है, कुर्सियां सरकती है, ग्लासें फिरती है पापा, और खाने के प्लेट इधर से उधर हो जाती है। राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे टॉप फ्लोर में से कुछ इधर से उधर खिसक गया है। प्लीज हेल्प अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो, तुम्हारी ये बेकार की प्रॉब्लम तो सिर्फ ब्रह्मदेव ही सॉल्व कर सकता है। पापा प्लीज। हेलो 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 हेलो, अबे सुन मेरा, हैं? ओ पापा, क्या हुआ? पता चला कुछ? नहीं। क्या कहा पापा ने? पापा ने कहा कि ब्रह्मदेव भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मदेव? यस, ब्रह्मदेव, ब्रह्म राक्षस, ये नाम लेकर ट्राई करो। अरे दीदी, हमें भूत का नाम बोलना है, राक्षस का नहीं। यार, ये भी एक भूत का ही नाम है, ब्रह्म राक्षस। रश्मि का है? सेवा और सैर पर जाना है। गरीब, आपको कुछ सुनाना है? मुझे नहीं सुनना है। नहीं सुनना है? नहीं। ब्रह्म राक्षस बुला रहे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? शैतान देवा, थैंक यू, आपने मुझे जिंदा रखा, थैंक यू। Amazing, amazing. क्या हुआ पापा? अरे अभी अभी मुझे अपने गेट पे एक औरत मिली, टिपिकल महारानी वाले कपड़े पहने हुए थे, और मुझसे पूछती है प्रांतवासी लालगढ़ जाने का रास्ता कौन सा है। मुंबई जैसी जगह में, कैन यू इमेजिन? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.